नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। लखनऊ में नेशनल वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर 24 घंटे में निजी अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और मोहनलालगंज के पौरुष हॉस्पिटल को सील कर दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को इस अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई थी। प्रसूता के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया था। नेशनल वॉइस ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इस मामले में अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई करते हुए ACMO की टीम अस्पताल को सील करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ में नेशनल वॉइस की खबर का असर हुआ है। अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई थी, ये खबर हमने आपको लगातार दिखाई। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा था और उसमें अब खबर दिखाने के बाद कार्रवाई हुई है। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर, हमारे संवाददाता। अरुण, क्या कुछ कहा गया है अस्पताल की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की टीम की ये कार्रवाई कैसे देखी जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि मामला 2 दिन पहले का है और ये महिला थी जो प्रसूता थी, ये मोहनलालगंज के जो क्षेत्र में पौरुष हॉस्पिटल पर निजी हॉस्पिटल है, यहाँ पर भर्ती हुई थी। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टरों पर लापरवाही लगाया था इसके परिजनों ने, कि उन्होंने पहले यहाँ पर मर गई थी, इसके बाद उन्होंने सिविल अस्पताल रेफर कर दिया था। वहाँ पर डॉक्टरों ने बताया था कि महिला की मौत कुछ देर पहले हो गई थी। इसके बाद जो है उनके परिजनों ने यहाँ पर अस्पताल प्रशासन पर, निजी अस्पताल प्रशासन पर हंगामा काटा और उनके डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। इसके बाद जो उन्होंने नेशनल वाइज से मुक्ता से इसकी खबर देखा कि इसके बाद आज जो है 24 घंटे के अंदर की टीम ने यहाँ पर पहुंच के अस्पताल को सील कर दिया है और उनकी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, पौरुष अस्पताल को सील कर दिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आगे भी जांच जारी रहेगी अरुण? क्षेत्र में और भी नेशनल वाइज से जितने भी खबरें दिखाई थी, स्वास्थ्य से जुड़ी जितने भी खबरें दिखाई थी नेशनल वाइज से, उसकी भी जो है स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है। कुछ दिन पहले एक और अस्पताल को सील कर दिया गया था, उसकी भी नेशनल वाइज से जो है प्रमुखता से खबर दिखाई थी। अब इसके बाद डॉक्टर ने कोई भी कागजात नहीं दिखा पाए हैं, इसके बाद इनको 24 घंटे का समय दिया गया है। अगर कागजात नहीं दिखा पाता है पौरुष हॉस्पिटल, तो इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।